सो so, आज हम चेक करेंगे हाउ टू सॉल्व ए टेबल जो हमारे पास डाटा है वो है द टेबल बिलो शोज द वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर ऑफ मोबाइल फ़ोन मार्केट फॉर मैनुफैक्चर इन द ईयर 2005 थाउजेंड फाइव एंड टू थाउजेंड सिक्स सो वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर के बारे में पूछा गया है सो वर्ल्ड वाइड मोबाइल फ़ोन सेल्स सो बेसिकली मार्केट शेयर का मतलब क्या हो गया कि जैसे नोकिया कंपनी है वो पूरी दुनिया में कितने परसेंट मोबाइल्स बेचती है मतलब पूरी दुनिया में अगर सौ हंड्रेड परसेंट मोबाइल हैं ठीक है अगर सौ मोबाइल हैं तो उसमें से थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट जो मोबाइल हैं वो किसके हैं नोकिया कंपनी के हैं सो इसलिए उसका थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट मार्केट शेयर हो जाएगा ठीक है जो बढ़ के कितना हो गया थर्टी फाइव इसी तरह बाकी सारी कंपनीज की सेल्स फिगर्स दी हुई है सो सेल्स फिगर को ही हम क्या बोलते हैं उसका मार्केट शेयर सो सेल्स और मार्केट शेयर का मीनिंग uh, हो गया सेम सो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल कंपनीज हैं उनका कितनी परसेंट सेल होती है या उनका कितना परसेंट मार्केट शेयर है पूरी वर्ल्ड में उसके बारे में डाटा है 2005 की वैल्यू है और 2006 की वैल्यू है सो so क्या चेंजेस आए हैं कुछ वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं कुछ वैल्यूज डिक्रीज हुई हैं उसको हम चेक करेंगे टोटल वैल्यू हंड्रेड परसेंट है अगर टोटल वैल्यू हंड्रेड परसेंट है तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई वैल्यू थर्टी थ्री परसेंट है या इसके आसपास है तो हम बोल सकते हैं कि वन थर्ड जो मार्केट शेयर है वो उस कंपनी का है अगर किसी की सेल ट्वेंटी परसेंट है तो हम बोल सकते हैं वन फिफ्थ जो मार्केट शेयर है वो उस कंपनी का है ठीक है सो यहाँ पर अगर देखें सो नोकिया की मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है सेल्स इंक्रीज़ हुई है मोटरोला की भी इंक्रीज़ हुई है सैमसंग की डिक्रीज हुई है सोनी रिक्सन की इंक्रीज हुई है एलजी की डिक्रीज हुई है बैंक्यू मोबाइल की डिक्रीज हुई है और अदर्स की भी डिक्रीज हुई है अदर्स मतलब इसमें बाकी सारे जितने भी मोबाइल कंपनीज सारी हो जाएंगी सो so, इसमें वन टू एंड थ्री सो ये जो तीन मोबाइल कंपनीज है नोकिया मोटोरोला और सोनी रिक्सन इसमें इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है बाकियों का क्या हुआ है डिक्रीज इसको सॉल्व करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम उसमें लिखेंगे द रेंडेड गिवन या प्रोवाइडेड इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं टेबल सो इन जो वर्ब्स हैं इनमें से भी कोई एक वर्ब यूज कर सकते हैं रिव्यूज डेमोन्स्ट्रेटिड कंपेयर डिस्क्राइब्स द डैश तो यहां पे हम अपने क्वेश्चन की करेंगे पैराफ्रेजिंग ठीक है उसके बाद जब बॉडी पैरा वन लिखेंगे वो हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमें फर्स्ट लाइन को यूज करना है इसमें हमारे वर्ड काउंट थोड़ा बढ़ जाएगा सो बाई लुकिंग एट पे टेबल होगा लुकिंग एट द टेबल इन मोर डिटेल इट इज एविडेंट दैट ठीक है उसके बाद हाईवर या सिमिलरली अगर सिमिलर इन्फॉर्मेशन है या अपोजिट इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हम ये कनेक्टर यूज करके फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे या फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं बॉडी पैरा वन को इन डिटेल लिखकर डायरेक्टली हम इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देन हा एवर या सी बिल्ली लिख के सेकेंड इन्फॉर्मेशन सो उसके बाद बाय कॉन्ट्रास्ट या ऑन दी अदर हैंड या विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यूज या विद रिगार्ड्स टू अदर अदर वैल्यूज ऐसा लेके हम बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ना अभी बाय कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे लिखना क्यों जरूरी है जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में हमने सारे इंक्रीजिंग ट्रेंड के बारे में बात की सो so, जिस जिस जिसकी वैल्यूज क्या हुई थी इंक्रीज फॉर एग्जाम्पल यहां पर इंक्रीज हुआ था नोकिया मोटरोला और सोनी रिक्सन सो नोकिया मोटोरोला और सोनी रिक्सन की वैल्यू अगर हम फर्स्ट बॉडी पैरा में बताएं क्योंकि ये इंक्रीजिंग था तो बाकी जितनी भी थी अदर्स ठीक है तो उसकी क्या थी डिक्रीजिंग तो वो हम किसमें यूज किस में शो करेंगे सेकेंड बॉडी पैरा में ठीक है ऐसा हम कर सकते हैं सो नेक्स्ट है समरी समरी को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इट कैन बी सीन फ्रॉम द कर्सरी क्लांस एट द ग्राफ दैट यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट कैन बी क्लियरली सीन सो यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं ठीक है इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द कर्सरी ग्लान्स एट द ग्राफ दैट सो इससे वर्ड काउंट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारे कम वर्ड्स कम है तो या फिर हम इसकी बजाय दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे ओवरऑल लिखेंगे और डायरेक्टली हम अपनी समरी को एक्सप्लेन कर देंगे जो समरी है इसमें हम एक तो ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करेंगे मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग है या कॉन्स्टेंट है या फ्लक्चुएटिंग है उसके बेस पे प्लस इसमें हम हाईएस्ट और कभी साथ में लोएस्ट जो वैल्यूज हैं उसको भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है सो so, ओवरऑल में हम ये चीज एक्सप्लेन करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है द टेबल बिलो शोज द वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर ऑफ मोबाइल फोन मार्केट फॉर मैनुफैक्चर इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव एंड टू थाउजेंड सिक्स इसकी अगर हमें पैराफ्रेजिंग करनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे द प्रोवाइडेड टेबलर चार्ट या फिर हम इसकी जगह टेबल भी लिख सकते हैं सो द प्रोवाइडेड टेबल ठीक है सो so, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया डेमोन्स्ट्रेट्स ये हमारी क्या हो गई वो सो द प्रोवाइडेड टेबलर चार्ट डेमोन्स्ट्रेट्स क्या डेमोस्ट्रेट करता है द प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप्चर्ड बाय डिफरेंट सेल फोन प्रोड्यूसर्स सो ये परसेंटेज बताती है किसकी ग्लोबल मार्केट की पूरे दुनिया की वर्ल्ड वाइड परसेंटेज बता रही है जो कैप्चर की थी बाय डिफरेंट सेलफोन प्रोड्यूसर्स सो परपोर्शन ऑफ ग्लोबल सेल फोन मार्केट यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते सेल फोन की जगह हम मोबाइल भी लिख सकते सो द प्रोवाइडेड टेबलर चार्ट और द प्रोवाइडेड टेबल demonstrates the proportion of global mobile market captured by different cell phone producers in two different years. So mobile market different cell phone producers ने कितनी capture की है. So उसके बारे में हमें बताया गया है दो साल में 2005 and 2006. So this is our introduction. उसके बाद जब body para one में आएंगे. So body para one में हम किस किस को explain करेंगे? Nokia को, Motorola को और Sony Ericsson को. क्योंकि इसकी value भी बड़ी है 6. थ्री uh, से सेवन पॉइंट फोर so सो वन परसेंट लगभग इसकी बड़ी है सेवनटीन पॉइंट सेवन से ट्वेंटी वन पॉइंट वन सो इसकी लगभग साढ़े तीन चार परसेंट के करीब बड़ी है थ्री पॉइंट फाइव और इसकी थ्री पॉइंट थर्टी टू पॉइंट फाइव से थर्टी फाइव सो इसकी टू पॉइंट फाइव परसेंट इंक्रीज हुई है और साथ में ये भी पता है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है सो इन डिटेल से हमने स्टार्ट किया है नोकिया विच डोमिनेटेड द मोबाइल मार्केट हेल्ड थर्ड ऑफ टोटल सेलफोन जो कि मोबाइल मार्केट को डोमिनेट करता है टोटल सेलफोन मार्केट का नोकिया के पास था ठीक है द सेल्स ऑफ दिस कंपनी सर्स टू थर्टी फाइव परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स यहां पर हमने वैसे एक चीज हमें यहाँ पे इन 2005 लिख दें तो ज्यादा बेटर है ठीक है सो ऐसा लिखेंगे नोकिया डोमिनेटेड द मोबाइल मार्केट हेल्ड अ थर्ड ऑफ द टोटल सेल फोन मार्केट इन 2005 थाउजेंड फाइव द सेल्स ऑफ दिस कंपनी या द मार्केट शेयर ऑफ दिस कंपनी सर्जड टू थर्टी फाइव परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स लाइकवाइज उसी तरह द हाइएस्ट ग्रोथ थ्री पॉइंट फोर परसेंट वॉज विटनेसड इन द सेल्स ऑफ मोटरोला सेल्स एंड इट अकाउंटेड फॉर मोर देन अ फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल मार्केट सेल्स इन 2006. तो जो यहाँ पे हमने ये वैल्यू नहीं बताई हमने डायरेक्टली बताया कि इंक्रीज कितना हुआ सबसे बड़ा इंक्रीज किसमें होता है यहाँ पे 2.5 पॉइंट इंक्रीज हुआ लेकिन यहाँ पे कितना था 3.4. ठीक है सबसे बड़ा इंक्रीज था यहाँ पे तो हाइएस्ट ग्रोथ किसमें देखी गई थी वॉज वेटनेस इन द सेल्स ऑफ मोटरोला सेल्स एंड इट अकाउंटेड फॉर और इसकी वैल्यू कितनी थी मोर देन अफ्थ ऑफ द ग्लोबल मोबाइल सेल्स इन टू मोर देन अब फिफ्थ होता है वन फिफ्थ इसका मतलब ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा सो so ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब हो गया ट्वेंटी वन परसेंट सम हो जाएगी ठीक है तो ये हो गया देन मीन वाइल उसी ही दौरान मीन वाइल का मतलब होता है उसी ही दौरान सोनी रिक्सन ऑल्सो एक्सपीरियंस ए स्मॉल जंप ऑफ अबाउट वन परसेंट इन इट्स टर्न ओवर टर्न ओवर का मतलब भी क्या होता है सेल्स एंड हैड ए मार्केट शेयर ऑफ सेवन पॉइंट फोर परसेंट एट द एंड और उसके पास भी कितना मार्केट शेयर था सेवन पॉइंट फोर परसेंट एट द एंड ठीक है सो so ये तीन वैल्यूज डिफाइन कर दी यहां पे टाइम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने मीन वाइल वर्ड यूज किया है मतलब उसे ही समय दौरान सो नेक्स्ट बॉडी पैरा टू में हम लिखेंगे बाय कॉन्स्ट द मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट शेयर ऑफ सैमसंग डिक्लाइंट टू एट इलेवन पॉइंट एट परसेंट फ्रॉम ट्वेंटी सेवन पॉइंट सॉरी 12.7% परसेंट इन वन ईयर तो फ्रॉम के साथ हम स्टार्टिंग की वैल्यू लिखेंगे 12.7% परसेंट और 11.8% परसेंट तक ये क्या हो गई डिक्रीज हो गई डिक्लाइंट सिमिलरली उसी तरह द बिगेस्ट फॉल वॉज इन द मार्केट शेयर ऑफ यू मोबाइल इट्स इट्स मार्केट रिड्यूज टू टू पॉइंट फोर परसेंट ऑलमोस्ट हाफ द प्रीवियस ईयर फिगर तो यहाँ पे पत, हमने ये लिखा है प्रीवियस ईयर फिगर से हाफ हो गए सो दैट मीस ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि 2005 से 2006 की जो वैल्यू है वो हाफ हो गई सो so पहले जो वैल्यू थी वो थी 4.9 मतलब ऑलमोस्ट 5 परसेंट थी और ये हो गई 2.4 जो कि टू पॉइंट परसेंट ऑलमोस्ट हो गई सो so मतलब इसकी क्या हो गई हाफ रह गई तो हमें इसके ऐसे लिखा है कि बिगेस्ट फॉल जो था ठीक है टू पॉइंट फाइव परसेंट का वो किस में दिखा था वो बैंक्यू मोबाइल के शेयर में था मार्केट शेयर में और इसकी जो मार्केट है वो रिड्यूस हो चुकी थी टू पॉइंट फोर परसेंट तक जो कि ऑलमोस्ट हाफ थी प्रीवियस ईयर की फिगर से ठीक so है सो नेक्स्ट है एल जी एंड अदर कंपनीज शेयर हैड ऑल्सो ड्रॉप्ड बाय पॉइंट फोर परसेंट एंड थ्री परसेंट रिस्पेक्टिवली रीचिंग सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट एंड सिक्सटीन पॉइंट टू परसेंट बाई टू थाउजेंड सिक्स तो इनकी एल जी की सो so इसमें थोड़ा सा कम डिक्रीज हुआ सो so, 0.4 परसेंट इसमें डिक्रीज हुआ और 19.2 परसेंट ये बाकी सारी कंपनीज को मिला के था ये 19.2 परसेंट था और ये कितना हो गया 16.2 इसमें भी थ्री परसेंट का डिक्रीज हो गया दो हजार तक सो हमारी समरी होगी ओवरऑल द वर्ल्ड वाइड सेल्स ऑफ नोकिया मोट्रोला एंड सोनी एरिक्सन इंक्रीज्ड तो ये क्या हो गई इंक्रीज विद नोकिया बींग द मार्केट लीडर तो यहाँ पे हमने एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया बता दिया सो so, वो किसका था नोकिया सोनी रिक्सिन और मोटोरोला वेयर इज द शेयर ऑफ ऑल अदर रिमेनिंग कंपनीज डिक्लाइंड सो बाकी जितनी भी कंपनीज थी उसका शेयर <coughs> डिक्रीज हुआ मतलब उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर था ठीक है सो डिक्रीजिंग ऑर्डर था उसमें ऑल अदर कंपनीज और इसमें हमें एक चीज जो और बताई वो है नोकिया जो है वो क्या था मार्केट लीडर अगर ऐसा लिखे कि नोकिया मार्केट लीडर था तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाईएस्ट वैल्यू थी मार्केट में मार्केट शेयर किसका हाईएस्ट था वो आंसर आ गया नोकिया का सो so अगर हम इसको ओवरऑल चेक करें पूरे टास्क को सो so आंसर आएगा द प्रोवाइडेड टेबुलर चार्ट टेबल और चार्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेबल डेमोस्ट्रेट्स द प्रपोर्शन ऑफ ग्लोबल मोबाइल मार्केट कैप्चर्ड बाय डिफरेंट सेलफोन प्रोड्यूसर्स सो ये क्या बताती है प्रपोर्शन बताती है ग्लोबल मोबाइल मार्केट की जो कि कैप्चर किया गया था डिफरेंट मोबाइल प्रोड्यूसर्स ने इन टू टू ईयर टू थाउजेंड फाइव एंड सिक्स इन डिटेल नोकिया विच डोमिनेटेड द मोबाइल मार्केट हेल्ड अ थर्ड ऑफ द टोटल सेलफोन मार्केट द सेल्स ऑफ दिस कंपनी सर्च टू या सर्च की जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इनक्रीज या फिर हम वर्ड यूज कर सकते हैं रोज या हम लिख सकते हैं ग्र्यू ठीक है हाइएस्ट ग्रोथ थ्री पॉइंट फोर परसेंट वॉज विटनेस्ड इन द सेल्स ऑफ मोटरोला सेल एंड इट अकाउंटेड फॉर मोर देन अ फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल मोबाइल सेल्स इन टू थाउजेंड सिक्स

The biggest fall was in the market share of Banku Mobile. Its market reduced to 2.4%, almost half the previous year's figure. LG and other companies' shares had also dropped by 0.4% and 3% respectively, reaching this percent and this percent by 2006. Overall, the worldwide sales of Nokia, Motorola, and Sony Ericsson increased, with Nokia being the market leader, whereas the share of all other remaining companies declined. So, this is our answer. यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया लाइक ठीक है यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया सिमिलरली ठीक है यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया बाय कॉन्ट्रास्ट ये कॉन्ट्रास्ट क्यों क्योंकि यहाँ पे लाइक इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीजिंग था फर्स्ट नोकिया भी किया था इंक्रीजिंग उसके बाद हमने बात की मोटरोला की और वो भी क्या था इंक्रीजिंग इसलिए हमने बीच में जो वर्ड यूज़ किया वो किया लाइक वाइज या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली जैसे यहाँ पे सैमसंग की वैल्यू भी क्या हो रही थी डिक्लाइंड और बैंक्यू मोबाइल में भी क्या आया था फॉल तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया सिमिलरली और आगे भी फॉल था इसलिए हमें यहाँ पर भी क्या वर्ड यूज़ किया ऑल्सो सो so, हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया सिमिलरली ठीक है लाइक वाइज ठीक है या ऑल्सो सो ये हम वर्ड्स तब यूज़ करते हैं जब सेम ट्रेंड हो ठीक है अगर ऑपोजिट ट्रेंड हो जैसे यहाँ ऊपर तक क्या था इंक्रीजिंग ट्रेंड और नीचे क्या था यहाँ पे क्या था डिक्रीजिंग ट्रेंड तो इसलिए हमने इसके बाद जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया बाय कॉन्ट्रास्ट इसकी जगह के हम इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड ये भी यूज़ कर सकते हैं हाएवर ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं So, ये कनेक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो सिमिलरली लाइकवाइज ऑल्सो हम यूज करेंगे जब हमें सेम ट्रेंड के बारे में बताना है जैसे अभी मैंने बताया नोकिया की बात अगर मोटोरोला के बारे में हमें बात की, अगर नोकिया की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर है मोटोरोला की भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली लाइकवाइज ठीक है यहां पे सिमिलरली लाइकवाइज या ऑल्सो अगर नोकिया की वैल्यू इंक्रीजिंग है लेकिन मोटरोला की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीजिंग तो हम यहाँ पे जो कनेक्टर यूज़ करेंगे वो इनमें से कोई एक कनेक्टर हो सकता है ठीक है <coughs> जैसे कि आपने देखा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर था जो सेकेंड पैराग्राफ था उसमें सारे डिक्रीजिंग थे तो सो जो सेकेंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग थी सो तो हमने उसमें ये कनेक्टर को यूज़ किया था कम्पेरिजन्स के लिए हम वेज इन कंपेरिजन टू या एज कम्पेयर टू ऐसा यूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने नीचे यूज़ किया था कंपेरिजन के लिए कि ये इंक्रीजिंग था लेकिन ये सारे डिक्रीजिंग थे ठीक है वोकेबलरी फॉर वर्ब्स जैसे हम यूज करते हैं वर्ड इंक्रीज उसकी जगह हम ग्रू क्लाइं रोज लीब्ड जम्प्ड इंक्लाइंड ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अगर फास्ट इंक्रीज है तो हम एस्केलेटेड, स्काई रॉकेटेड एंड सर्च वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं इंक्रीज रैपिडली शार्पली ड्रामेटिकली या सिग्निफिकेंटली एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम वैल्यू लिखें, दिस वैल्यू इंक्रीज टू थर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स ठीक है तो इंक्रीज की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ग्रू क्लाइंड रोज लीप्ड जम्प्ड इंक्लाइंड ठीक है सो so ये वर्ड्स आ जाएंगे अगर फास्ट इंक्रीज है तो हम ऐसे लिखेंगे दिस वैल्यू एस्केलेटेड स्काई रॉकेटेड या सर्ज टू थर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स अगर हम हाई या फास्ट इंक्रीज के लिए ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे ठीक है, है ये यूज़ करना चाहते हैं तो हम ऐसा लिखेंगे दिस वैल्यू इंक्रीज उसके बाद एक एडवर्ब लिखेंगे जैसे रैपिडली ठीक है सो so, रैपिडली की जगह हम यूज़ कर सकते हैं शार्पली डोमेट्रिकली सिग्निफिकेंटली सो दिस वैल्यू इंक्रीज शार्पली टू या रैपिडली टू थर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स अगर स्लो इंक्रीज है तो हम ग्रेजुअली मिनिमली नॉमिनली या स्लाइटली ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं दिस वैल्यू इंक्रीज स्लाइटली या मिनिमली या ग्रेजुअली या नॉमिनली टू थर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स इसी तरह डिक्रीज के लिए हमारे पास ऑप्शन हैं ड्रॉफ्ट डिक्लाइंड फेल डिक्रीज ठीक है सो so, हम ऐसा लिख सकते हैं दिस वैल्यू या फिगर या नंबर या प्रपोर्शन ठीक है ड्रॉप टू थर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स तो यहां पे ड्रॉप की जगह हम डिक्रीज डिक्लाइंड फेल हम यूज कर सकते हैं या वेंट डाउन कर सकते हैं अगर फास्ट इन डिक्रीज है तो हम यहां पे इस वर्ड को ड्रॉप की जगह चेंज कर देंगे हम लिखेंगे क्लॉक लैप टू नोज डाइव ठीक है सो दिस वैल्यू टुक अ नोज डाइव टू थर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स ठीक है अगर बहुत फास्ट इंक्रीज़ है जैसे कोई वैल्यू थी इसमें सो so ऐसे हो गई ठीक है तो ये जो बहुत नीचे गई तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं टुक अ नोज डाइव ये नोज डाइव नहीं होगा ये नोज़ डाइव नहीं होगा ये होगा नोज़ डाइव ठीक है बहुत ज़्यादा जो डिक्रीज़ हो गया अगर हम ये यूज़ नहीं करना चाहते क्लाब्स प्लन्ज या टुकअ नोज डाइव तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डिक्रीज़ या ड्रॉप के बाद हम एडवर्ब uh, यूज करेंगे रैपिडली शार्पली ड्रमेटिकली या सिग्निफिकेंटली इनमें से एक जैसे दिस वैल्यू ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली ठीक है यहां पे आ जाएगा दिस वैल्यू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली टू थर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्स स्लो डिक्रीज हो तो हम लिखेंगे डिक्रीज ग्रेजुअली मिनिमली नॉमिनली या स्लाइटली ठीक है सो so, इसी तरह वोकेबलरी फॉर नाउन सो ये कैसे है सो so, अगर हम यूज़ करें देर वॉज ए राइज सो देर वॉज ए स्मॉल राइज या देर वॉज एंड इनक्रीज ऑफ फाइव परसेंट इन द शेयर ऑफ नोकिया कंपनी ठीक है तो यहां पे इंक्रीज की जगह हम लिख सकते हैं ग्रोथ राइज लीप या जंप ठीक है ए राइज या ए जंप <coughs> अगर फास्ट इंक्रीज है तो हम लिख सकते हैं रैपिड शार्प ड्रामेटिक या सिग्निफिकेंट इंक्रीज सो हम लिखेंगे देर वॉज ए ड्रामेटिक इंक्रीज या शार्प इंक्रीज या सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ फाइव परसेंट इन द शेयर ऑफ नोकिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ठीक है so सो इसलिए हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो नाउन है ठीक है सो नाउन के आगे अगर कोई भी एडजेक्टिव हमें यूज करना है तो वो सबसे पहले तो पहले आएगा ठीक है और ई वाले एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं ग्रेजुअल मिनिमली नॉमिनली सॉरी ग्रेजुअल मिनिमल नॉमिनली या स्लाइट इसी तरह डिक्रीज की जगह भी हम लिख सकते हैं देर वॉस ए फॉल या ए डिक्रीज या ड्रॉप ऑफ़ फाइव परसेंट इन द शेयर ऑफ नोकिया सो यहां पर देर वॉज ए फॉल हो सकता है ड्रॉप हो सकता है डिक्रीज हो सकता है डिक्लाइन हो सकता है ठीक है और अगर रैपिड या फास्ट डिक्रीज है तो हम यहां पर लिख सकते हैं देर वॉज ए रेपिड फॉल रैपिड शार्प ड्रामेटिक ड्रामेटिकल या सिग्निफिकेंट फॉल ऑफ फाइव परसेंट इन द शेयर ऑफ नोकिया अगर स्लो डिक्रीज है तो हम लिख सकते हैं ग्रेजुअल मिनिमल नॉमिनल और स्लाइट डिक्रीज सो देर वॉज ए स्लाइट डिक्रीज और स्लाइड फॉल ऑफ फाइव परसेंट इन द शेयर प्राइस ऑफ नोकिया ठीक है सो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा अगर आप आइलेट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक डाउन मोबाइल एप्लीकेशन डाउ, 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 डाउनलोड करें जिसका नाम है माई स्कूल सो जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको एक वेबसाइट कोड एंटर करना पड़ेगा वो है डब्ल्यू सी एल ई नाइन जेड कैपिटल लेटर्स में सो so ये कोड डालने के बाद ये एंड्रॉयड और आई एप्लीकेशन दोनों में अवेलेबल है कोड डालने के बाद आप साइन अप करेंगे ठीक है अब लॉग इन करेंगे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है नहीं तो आप साइन अप कर सकते हैं साइनअप करने के बाद आपके पास सारा आईलेट्स का फ्री मटेरियल है जो वो अवेलेबल होगा सो आई सजेस्ट कि आप ये एप्लीकेशन यूज़ करें uh, अगर आप uh, आईलेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट चाहे वो लिसनिंग है रीडिंग है राइटिंग है या स्पीकिंग है बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल होगा सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन थैंक यू